देशपाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी है, जहां अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से आज यूपी लाया जा रहा है। इसके साथ बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज आज लाया जा रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस रविवार को अहमदाबाद की साबरमती जेल पहुंची, जिसके बाद से अतीक अहमद को सड़क के रास्ते आज प्रयागराज लाने का कार्य यूपी पुलिस कर रही है। इसमें करीब 36 घंटे का समय आपको बता दें कि लग सकता है। यूपी पुलिस ने अतीक का मेडिकल टेस्ट कराया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबरें सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज लाने के लिए पुलिस शिवपुरी से झांसी का रूट लेगी। साथ ही जानकारी के मुताबिक लगभग 45 सदस्य टीम के साथ एसटीएफ के 20 जवान हथियारों से लैस होकर यूपी पुलिस की गाड़ी के साथ मौजूद हैं। इसमें आईपीएस अधिकारी हैं, 3 डीएसपी शामिल हैं। इसके अलावा 40 पुलिस कॉन्स्टेबल भी इस पूरे काफिले में शामिल रहेंगे। यूपी आने के बाद 28 मार्च को अतीक को एमपी और एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा प्रयागराज से। राघवेंद्र, फिलहाल किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लाया जा रहा है गुजरात के साबरमती से अतीक अहमद को, और इसी के साथ देखिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एक बड़ा आईपीएस और डीएसपी सहित यहां पर पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है अतीक को प्रयागराज लाने के लिए। कितना समय और लग सकता है अतीक को पहुंचने में प्रयागराज? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूरा यूपी पुलिस एसटीएफ से लेकर पूरा जिला प्रशासन तक उसकी खोजबीन में जुटा था, क्योंकि जो जांच पड़ताल के दौरान ये तथ्य सामने आए, जो बिंदु सामने आए, उससे सीधा जुड़ाव जो है अतीक अहमद का पाया गया और मुख्य आरोपी उमेश पाल हत्याकांड का अतीक अहमद को ही पाया गया। तो 28 मार्च जो परसों है, आज 26 मार्च है, 2006 की ये घटना है। राजू पाल की हत्या 2005 में हुई थी, जो विधायक थे। उसके बाद 2006 में उमेश पाल जो राजू पाल की हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे, 2006 में उनका अपहरण कर लिया गया, उनको धमकाया गया, उन पर जो है कई प्रकार से उसको टॉर्चर किया गया और गलत कागजों पर हस्ताक्षर कराया गया। तो अपहरण के केस को लेकर राजू उमेश पाल ने 2007 में न्यायालय की शरण ली और अतीक अहमद अशरफ और उनके लगभग 10 गुर्गों समेत न्यायालय की शरण लिया और एफआईआर दर्ज कराई। तो 2007 की एफआईआर को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी। लगातार सुनवाई के दौरान 24 फरवरी को उमेश पाल को एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड से सीधा अतीक अहमद का ही कनेक्शन सामने आया, क्योंकि जिस प्रकार अहमदा जेल से उसने पूरी साजिश रची थी, बरेली जेल में उसका भाई जो अशरफ बंद था, पूरी साजिश अगर देखा जाए विशाखा की चौतरफा जो है अतीक अहमद का ही परिवार इस हत्याकांड से जुड़ा रहा है। तो 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है। फैसला 17 मार्च को ही अदालत ने सुरक्षित कर लिया है। तो फैसला 17 मार्च को सुरक्षित करने के बाद परसों 28 मार्च को अतीक अहमद और अशरफ को एसटीएफ की टीम, यूपी पुलिस की टीम, प्रयागराज पुलिस ला रही है, न्यायालय में ला रही, उनकी पेशी कराएगी और पेशी के दौरान उनको सजा भी सुनाया जाएगा। तो साबरमती जेल में, लेकिन देखिए यहाँ पर अब स्थिति जो है वो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, यानी कि अब मुख्य आरोपी, अब तक आपने देखा कि रिश्तेदारों पर कार्रवाई हुई, गैंगस्टर एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टीज थी, घर थे, उनका ध्वस्तीकरण हुआ, लेकिन अब मुख्य आरोपी से पूछताछ और यहाँ से बड़े खुलासे और सीधे सवाल पुलिस के होंगे। साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में हम ये मान सकते हैं कि एक अंतिम बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है कि सीधे आरोपी से पूछताछ होगी और यहाँ से तमाम चीजें क्लियर पुलिस करेगी। जी बिल्कुल विशाखा, जिस प्रकार से मुख्य रूप से केंद्र, ये जो है अपराध का केंद्र अतीक अहमद रहा है, क्योंकि इसका 4 दशकों से पूरे प्रयागराज जनपद ही नहीं अन्य जनपदों में भी एक दहशत का माहौल था। खुलेआम हत्या, मर्डर, अपहरण, दूसरे की अवैध संपत्ति को कब्जा कर लेना, तो ये उमेश पाल हत्याकांड जो है ये अतीक अहमद के पूरे परिवार पर
एक गले की फांस बन चुका है। तो 28 मार्च को जो उसको लाने जो है एसटीएफ की टीम साबरमती जेल पहुंची है, वहां पर 6 वाहनों के साथ उसको सुरक्षा के साथ फ्लीट, अभी जो है डर उसको पूरा डर था, उसके पत्नी को डर था, उसके जो वकील ने जो है सुरक्षा की मांग की है एक याचिका दायर करके। तो एक प्रकार से अतीक अहमद को जो डर है, क्योंकि बिगरू कांड जो विकास दुबे का गाड़ी पलट गई थी, तो ये गाड़ी पलटने का ट्रेंड जो पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है, विपक्ष में भी चल रहा है, आम जनता में चल रहा है, इसको लेकर डीजीपी महोदय ने सीधे तौर पर बयान भी दिया है कि हमारी फ्लीट इतनी मजबूत है, साबरमती जेल से प्रयागराज उसको सुरक्षित लाया जाएगा, कोर्ट में पेशी कराई जाएगी और कोर्ट के आसपास जो कोर्ट का परिसर है वहां पर भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही नैनी सेंट्रल जेल में एक बैरक पहले से तैयार है अतीक अहमद के लिए। बिल्कुल राघवेंद्र, देखना होगा जब पहुंचती है पुलिस लेकर प्रयागराज अतीक अहमद को, तो किस तरीके से आगे के जो सवाल जवाब है वो भी रहते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।